आई फील आपके पर्सन को यहाँ लाइफ में एक हार्श अवेकनिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं आप उन्हें कुछ भी कह के उनकी अवेकनिंग करा सकते हो, ये अवेकनिंग उन्हें खुद ही अपनी लाइफ की जर्नी में फील करनी होगी। व्यूअर आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई फील आपके पर्सन का मेटीरियल वेल्थ एंड अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने पर फोकस है। ये आपके साथ किसी डिस्कशन से यहाँ भाग रहे हैं, मे बी बिकॉज ये पास्ट में आपके साथ कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे। आई सी आपको पास्ट में यहाँ धोखा मिला है एंड ये पर्सन भी आपको लेकर जो भी हुआ उसके लिए अच्छा फील नहीं करते। बट अपनी गलती सुधारने के बजाय आई सी कि वो यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद में वो इंसान बनना चाह रहे हैं जिसको देखकर उन्हें थोड़ा प्राउड फील हो। आई सी डायरेक्टली आपसे माफ़ी मांगने के बजाय वो ऐसा इसलिए बनना चाह रहे हैं ताकि आप उन्हें ऐसा बनता देख उन्हें खुद पर खुद माफ़ कर दो। आपके पर्सन की लाइफ यहाँ बड़ी आउट ऑफ बैलेंस है जिसे वो संभालना तो चाहते हैं लेकिन अपने एक्शंस की वजह से संभाल नहीं पा रहे। आई फील आपका पर्सन किसी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट से डर रहा है, किसी ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट से। ये पर्सन लिटरली अपनी फीलिंग से बाहर रहना चाह रहे हैं, लाइक वो उसकी तरफ अभी देखना भी नहीं चाह रहे जिसकी वजह से वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं। मुझे यहाँ अल्फा वाइब्स आ रही हैं, लाइक जहाँ ये पर्सन बहुत ही पत्थर दिल बॉसी टाइप्स हो। ये लाइफ में सभी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। आई फील इनकी इसी वाइब की वजह से आप दोनों ही अपनी अपनी सेपरेट जर्नीज पर हो। इस वाइब के बावजूद आप इन्हें हैप्पी फील करवाते हो एंड ये पर्सन आपसे एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर। आई फील आपके पर्सन की लाइफ में दूसरे लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी इन्वॉल्व हैं जिसके कारण उन्होंने आपसे या किसी क्लोज्ड वन के साथ एक अच्छा बिहेवियर नहीं रखा। समवेयर इन इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये राइट सेट ऑफ माइंड में नहीं रहे, इन्हें सही और गलत के बीच फर्क नहीं समझ आया। आई सी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तो पाना चाहते हैं बट इनकी लाइफ यहाँ बहुत ही क्योटिक है। इनके आसपास मुझे लोगों की काफ़ी गॉसिप्स भी दिख रही हैं। वो खुद से अपनी लाइफ में कामनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहाँ उन्हें शांति मिले एंड आई सी वही कामनेस वाली स्टेट उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लाएगी। आई फील आपका पर्सन अभी लाइफ में अपने दिल से कोई भी काम नहीं ले रहा। ये यहाँ हर एस्पेक्ट में बहुत ही लॉजिकल होकर सोच रहे हैं इन चाह रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में हो रही केओस से फ्रीडम मिले। ऐसी जब तक इन्हें यहाँ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलती तब तक ये किसी तरह की ट्रेडिशनल कमिटमेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल कि आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन में वो यहाँ डिफेंसिव फील करते हैं बिकॉज उन्हें यहाँ क्रिटिसिज्म से डर लग रहा है, एज इन कि आप उन्हें किसी चीज़ के लिए टोकोगे। इनका यही डिफेंसिव एक्ट करना आपको रोकता है खुल के इन्हें कुछ भी कहने से। ऐसे आप रिश्ते में ज़्यादा मैच्योर एंड अवेयर हो एंड आप कोशिश करोगे अपनी हार्ट स्पेस से एक्ट करने का, जहाँ जो भी आपके दिल में है आप बस कह दोगे। आई फील आपके पर्सन को यहाँ लाइफ में एक हार्श अवेकनिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं आप उन्हें कुछ भी कह के उनकी अवेकनिंग करा सकते हो, ये अवेकनिंग उन्हें खुद ही अपनी लाइफ की जर्नी में फील करनी होगी। आई ऑल्सो फील कि यहाँ किसी और की तरफ से आपके पर्सन की साइड एक हार्श कम्युनिकेशन दौड़ा चला आ रहा है, जहाँ इन्हें कोई कुछ इनकी लाइफ के डिसीजन से रिलेटेड बहुत खरी खोटी सुनाएगा। ये हार्श कम्युनिकेशन इन्हें एटलीस्ट यहाँ स्टेबिलिटी पाने की ओर ढकेल देगा एंड आगे चल के यही स्टेबिलिटी आप दोनों को करीब लाने की कोशिश करेगी।
लाइफ का नया पर्सपेक्टिव मिलने के बाद आई सी आपका पर्सन बहुत हार्ड वर्क करने वाला है, जहां वो अपने डिफेंसिव बैरियर्स भी थोड़े डाउन करेंगे एंड किसी को सुनने की क्षमता रखेंगे। आपके पर्सन की लाइफ में ये एक पूरा प्रोसेस चलने वाला है, बट इस प्रोसेस के एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वो एक पीस ऑफरिंग के साथ अप्रोच करेंगे, जहां वो आप दोनों के बीच के तनाव में शांति चाहेंगे। ये कोई बहुत ही लव टाइप्स अप्रोच नहीं होगा, बट हाँ एक शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल अप्रोच होगा जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल दिखाएगा। व्यूअर, मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फेरी आपको अपनी लाइफ में हो रहे चेंजेस जो कि आपकी भलाई के लिए हैं उनकी तरफ सरेंडर करने के लिए कह रही है। अब आइदर अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो या होने वाले हो, ये चेंज चैलेंजिंग होने के साथ साथ एक्साइटिंग भी होगा, जहां आप खुद को एक न्यू यू बनता देखोगे। जो भी आपकी लाइफ के करंट हालात हैं, नो दैट वो भी आगे बेटरमेंट के लिए बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेरी आपको रिमाइंड कराना चाहती है कि ये चेंज आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अमेजिंग हो सकता है, क्योंकि जब आप एक्चुअली नेचुरल प्रोसेसेस की तरफ लेट गो एंड सरेंडर कर दोगे तो आपको अपनी लाइफ का एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। क्या होता है, कई बार लोग चेंज से घबराते हैं, बट अगर आप विलिंगली ये चेंज अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपसे जुड़े आपके आसपास लोगों पर भी होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेरी आपको तीन वर्ड्स बोलना चाह रही है, अलाउ, ट्रस्ट एंड फ्लो। इस ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को अलाउ करो, उस चेंज के प्रोसेस को ट्रस्ट करो एंड इस एनर्जी को अपनी लाइफ में फ्लो होने दो, ऑल विल बी वेल। नो कॉन्टैक्ट में वो और क्या फील करते हैं जाने, स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।